तंजानिया में रविवार को एक यात्री विमान एयरपोर्ट में लैंडिंग के दौरान झील में क्रैश हो गया। आपको बता दें कि प्रिसिजन एयरलाइंस का घरेलू विमान जिस वक्त बुकोबा में लैंड करने जा रहा था, ठीक उसी वक्त पायलट का नियंत्रण छूट गया। इसके बाद विमान एयरपोर्ट के पास झील में क्रैश हो गया। इस घटना के सामने आते ही प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब तक 23 यात्री बचाए गए हैं और 26 लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये विमान बुकोबा में एक एयरपोर्ट पर लैंड करने का प्रयास करते समय विक्टोरिया झील में जा गिरा। विमान में कुल 49 यात्री सवार थे, जिनमें से 23 को अब तक बचाया जा चुका है। वहीं क्षेत्रीय पुलिस कमांडर विलियम मॉम्पाग्ले ने बुकोबा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि एक प्रिसिजन एयर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये हवाई अड्डे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर झील में क्रैश हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्षेत्रीय आयुक्त अल्बर्ट चालमिला ने कहा कि विमान में 39 यात्री, 2 पायलट और 2 कैबिन क्रू समेत 43 लोग भारतीय राजधानी दार एस सलाम से कागेरा क्षेत्र के लिए सवार हुए थे। बताया गया कि विमान काफी हद तक पानी में डूबा हुआ था। रेस्क्यू टीम लोगों को निकालने के लिए पानी के बीच से गुजर रही थी। आपातकालीन कर्मियों ने क्रेन और रस्सियों का इस्तेमाल करके विमान को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। राष्ट्रपति समिया सुलुहु हसन ने दुर्घटना से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शांत रहें, बचाव अभियान जारी है, हम भगवान से हमारी मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं।